देखिए इस साल कब है होली, जानिए होलिका दहन का मुहूर्त और पूजा विधि। होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं। घरों में गुजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएँ देते हैं। तो चलिए जानते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त होली का। पूर्णिमा तिथि, फाल्गुनी पूर्णिमा को होलिका दहन और उसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होकर वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होलिका दहन, 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। कब है होली? होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देशभर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होलिका दहन की पूजा विधि, होलिका दहन की पूजा विधि के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा करने वाले स्थान पर उत्तर से पूर्व की ओर मुंह कर बैठ जाए। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाए। वहीं पूजा सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और 1 लोटे में पानी रख ले। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाई और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। जय श्री राम।